हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 7 जून 2022 और 7 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करंट अफेयर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपसे शेयर किए जाएंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जहां से आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र अवार्ड में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है। तो देखिए, अभी भारत के मेघालय राज्य को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब यह अवार्ड दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र से और क्या फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। ये सभी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषाएं हैं और ये अवार्ड भारत के मेघालय राज्य को दिया गया है। तो मेघालय से एक फैक्ट आप लोग और याद रखिएगा, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को अभी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गौतम अदानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो देखिए, अभी तक गौतम अदानी ये एशिया के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे, लेकिन अब इनको पीछे छोड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी, जो अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया है। तो देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अभी राजस्थान सरकार ने आंचल नाम से एक विशेष अभियान को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये जो आंचल अभियान है, इसको राजस्थान के करौली जिले से शुरू किया गया है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 में। जिलों की संख्या 33 है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 4 टाइगर रिजर्व भी हैं राजस्थान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे 52 लिखा हुआ है। तो देखिए, रामगढ़ बिसधारी जो टाइगर रिजर्व है, ये भारत का अभी अंतिम टाइगर रिजर्व यानी 52 टाइगर रिजर्व बना है। राजस्थान से संबंधित कुछ अभी हाल फिलहाल के जो करंट अफेयर हैं, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू हुई है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना को लॉन्च किया है। खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया।
देश की सबसे बड़ी ओपीडी मेडिकल टावर की बिल्डिंग ये राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही है। वहीं एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसकी भी आधारशिला भी जयपुर में रखी गई है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। इस उत्सव का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में किया गया। अब ये कांगड़ा घाटी उत्सव ये किस लिए मनाया जाता है? तो एक्चुअली में जो ग्रीष्मकालीन कांगड़ा घाटी उत्सव है इसको मनाने का उद्देश्य है, जो पूरे भारतवर्ष से लोग हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट के रूप में विजिट करते हैं, तो उनको हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए कांगड़ा घाटी उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों बनता है करंट अफेयर? क्योंकि पिछले 10 साल से इस उत्सव का आयोजन अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया था और 10 साल बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी उत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया गया है? तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। पर्यावरण के प्रति सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण 2022 की होस्ट कंट्री आप लोग याद रखिएगा, इस बार की होस्ट कंट्री है स्वीडन। 1 जून को कौन सा दिवस था? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को था तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को था आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो बच्चे एग्रेशन के शिकार होते हैं इनके लिए एक विशेष रूप से दिवस मनाया जाता है और जिसको बोलते हैं आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी फेसलेस आरटीओ को लॉन्च किया है? तो अभी देखिए महाराष्ट्र राज्य ने फेसलेस आरटीओ कार्यालय को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब ये फेसलेस क्या है? तो फेसलेस से संबंधित है ऑनलाइन आरटीओ के सभी काम। देखिए अभी तक जितने भी आरटीओ से संबंधित काम होते थे, जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आरटीओ जाना पड़ता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र ने ऐसी सुविधा दी है कि जो आरटीओ के सभी काम है लगभग 95% काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके जो फायदे हैं, एक तो आपका समय बच जाएगा, आपको बार बार आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। साथ में जो आरटीओ के अंदर भ्रष्टाचार होता है यानी करप्शन होता है, अलग अलग तरह की फीस आपसे एक्स्ट्रा मांगी जाती है, वो भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। और ये जो कार्यालय लॉन्च करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात कर ले तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राजकीय भाषा महाराष्ट्र की मराठी है, जिलों की संख्या 36 है, 288 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। करंट अफेयर की बात कर ले महाराष्ट्र से संबंधित जो लेटेस्ट के हैं, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो दक्ष ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण
मुंबई में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 के नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया है। यह सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास जो है यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी हॉकी एशिया कप का जो खिताब है ये जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने, यानी दक्षिण कोरिया ने गोल्ड मेडल जीता है हॉकी एशिया कप में। किसको हराया है? तो दक्षिण कोरिया ने फाइनल में मलेशिया को हराया है और इस तरह से मलेशिया उप विजेता बना है और विजेता टीम बनी है दक्षिण कोरिया की। इस हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। देखिए भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज संप्रीति 10 का आयोजन शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति 10, इसका आयोजन शुरू हुआ है। इस अभ्यास का आयोजन बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में किया जा रहा है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, जसोर सैन्य स्टेशन ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है इसको बोलते हैं टाका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। परीक्षा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू हुई है। बांग्लादेश पहली बार अपनी डिजिटल जनगणना करेगा। बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी फ्रेंच ओपन 2022 के मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है राफेल नडाल ने। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। राफेल नडाल, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। किसको हराया है? तो इन्होंने कैस्पर रोड, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इनको फाइनल मैच में हराकर इस टाइटल को जीता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2022 में, तो पोलैंड के खिलाड़ी इगा स्वीटेक, इन्होंने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। ये है इगा स्वीटेक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 30 साल के राजनयिक संबंध पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी अपने देश भारत और इजराइल, इसके 30 साल पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के, और इसी के अवसर पर रक्षा सहयोग के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल की बात कर लें, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की संसद को बोलते हैं नेसेट। इजराइल की मुद्रा है न्यू सेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मोसाद। फ्रेंड्स ये थे सभी 7 जून के करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखेंगे। विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अपना देश भारत मिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर है। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। हिंद महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त। गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। अमेरिका का डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दक्षिण की गंगा भारत में किसे कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मानव नेत्र की कौन सी कोशिका रंग को पहचानती है? कॉन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन और निर्यात से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? बार। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अब कल की क्लास में जो आप लोग से क्विज के क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एल्ब्रस, आल्प्स, फिन या फिर ब्राउन वाल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एल्ब्रस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर माउस के पता लगाने योग्य गति को दर्शाने के लिए किया जाता है? नोविंट, मिक्की, स्नीपा या फिर डेजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिक्की। अब फ्रेंड्स, आज की क्लास के जो क्विज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का प्रमुख है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है या फिर कहा गया था? तो लघु संविधान किसे, किस संशोधन को कहा गया है? 42वां, 46वां, 69वां या फिर 95वां। तो आंसर इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।